मंडी के भद्रकाली महिला मंडल की बैठक में हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इस मौके पर महिला मंडल की 60 महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने सामूहिक रूप से निंदा प्रस्ताव करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। महिला मंडल की प्रधान मीरा देवी ने कहा कि सरकार और प्रशासन के लचर रवैये के कारण ऐसी कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह हो रही है जिनका किन्हीं को फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब लाचार परिवार को सत्ता के दबाव में आकर झुकना पड़ रहा है। हाथरस में गैंगरेप की घटना में लड़की एक साधारण परिवार से थी, इसलिए कायदे कानून और मानवता को ताक पर रखकर दोषियों को बचाने के लिए रात के अंधेरे में शव को जला दिया गया। उन्होंने कहा कि रसूखदार परिवार की लड़की के साथ अगर इस तरह की घटना हो तो वह अमानवीय कहलाती है। आज भद्रकाली महिला मंडल की बैठक यहाँ पे जो हुई है, इसका प्रस्ताव निंदा है। हमने इस बैठक में जो हाथरस में हुई बेटी के साथ अन्याय, उसके बारे में चर्चा की और निंदा भी की। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे देश की बेटियां हैं वो सभी सुरक्षित हो, और हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि उसके घर वालों को न्याय दे, न्याय मिले और उन दोषियों को सजा दे। संगठन सचिव शांति देवी ने कहा कि बेटी किसी की भी हो सबकी प्यारी होती है, ऐसे में अपराधों को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे कि हर महीने हमारी महिला मंडल भद्रकाली महिला मंडल की बैठक होती है, उसमें जो हाथरस की बेटी के साथ हादसा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा की गई। तो जैसे कि बेटी को बुरी तरह से उसके साथ जिन दरिंदों ने बलात्कार किया है, तो पहले उस लड़की की जीभ काट गई, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, आखिर में बेटी की जान ही चली गई। क्यों? प्रशासन ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्या वो एक गरीब बाप की बेटी थी? अगर किसी अमीर बाप की बेटी होती तब उसको ऐसे रात को जला दिया जाता, उसको कूड़े कचरे की तरह जला दिया गया। और प्रशासन बहुत शर्मनाक, प्रदेश में बहुत शर्मनाक बात है कि प्रशासन ने उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया। तो जैसे उन दरिंदों ने किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा सभी महिला मंडल की संगठन की तरफ से सभी बहनों से निवेदन है कि इस लड़की के लिए न्याय की गुहार की जाए और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए।